अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक लेक्चर नंबर 3। जैसा कि हमने लेक्चर नंबर 1 और 2 कर लिए और आज लेक्चर नंबर 3 करने जा रहे हैं। तो लेक्चर नंबर 3 जैसा कि लिखा हुआ है, कोरियन क्लासरूम एक्सप्रेशंस। तो नाम से आपको पता लग रहा होगा आज लेक्चर वैसे भी छोटा ही है, इतना बड़ा लेक्चर नहीं होगा। तो क्योशुल द क्लासरूम हांगुगो, कोरियन क्लासरूम्स क्लासरूम्स है। तो ये इसमें इसने बताया गया है कि क्लासरूम्स में क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं, कि टीचर होता है, स्टूडेंट होते हैं, डेस्क होता है, फ्रेंड होते हैं, चेयर, इन सब चीजों के बारे में बताया गया है। तो पहले हम इसका साउंड सुन लेते हैं। ट्रैक 3과 교실 한국어 선생님, 학생, 반 친구, 칠판, 책상, 의자, 책, 공책, 연필, 볼펜, 지우개, 필통, 시계, 달력, 창문, 문, ठीक हो गया। संसेंगनीम टीचर होती है, हकसेंग स्टूडेंट होता है, पंचिंग को क्लासमेट्स होता है, चिलफन ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड को कहते हैं, चेकसंग डेस्क होता है, ईजा चेयर होती है, चेक बुक होती है, खोंगचेक नोटबुक होती है, बुक होती है जिसपे हमें पढ़ना पड़ता है, और नोटबुक होती है जिसपे हम लिखते हैं, यूनफिल होती है, पेंसिल होती है, पुलफेन होता है, पेन होता है, इंक या दूसरा भी, छूखे रेजर होता है, ये पेंसिल केस होता है, फिल्थोंग साथ क्या कहते हैं उसके नीचे, शीगे क्लोक होते हैं, थलियो कैलेंडर होता है, छंगमून विंडो होती है, मून डोर होता है। तो इसी तरह अब ये 9 है 19, ये भी सुन लें। 책을 펴세요, 책을 덮으세요, 보세요, 들으세요, 따라하세요, 읽으세요, 쓰세요, 이야기하세요, 대답하세요. 알겠어요? 네, 알겠습니다. 아니요, 모르겠습니다. 질문 있어요? 네, 질문 있습니다. 아니요, 질문 없습니다. 이거야. अब इसमें ये कहता है कि उसने बताया छगल होता है, क्या कहते हैं छगल क्योसे यो, ओपन द बुक छगल थोपसे यो, क्लोज द बुक होसे यो, लुक एट देखना, फिर क्या कहते हैं इसमें कहता है लिसन केयरफुली कि वो बच्चों को कह रही है टीचर के मेरी बात ध्यान से सुनो, थरसे यो थरहा से यो, रिपीट आफ्टर मी जो पढ़ लिया मेरे बाद रिपीट करो, इसमें रीड करना लिखा हुआ, सासा यो इसमें क्या कहते हैं बच्चा लिख रहा है, इसमें आपस में बातचीत कहते हैं, ई आगी हंसी हो, कंजर्वेशन जो इंग्लिश में वर्ड होता है कंजर्वेशन उसे कहा जाता है, थेदा हंसी हो आंसर में, वो सवाल पूछ रही है और वो आंसर उससे मांग रही है कि आंसर में मुझे जवाब दो। तो अलखत से हो अलखत सो हो, तो कहता है डू यू अंडरस्टैंड, कि आपको समझ लग गई है, दे रिप्लाइड इन डैट ने यस अलगो सपनीदा, यस मुझे समझ लग गई है। तो फिर बच्चा कहता है आनी हो, नहीं मुझे नहीं लगी, बोला क्या सपनीदा नहीं लगी, छील मुन इसो यो, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, क्या आपके पास कोई सवाल है पूछने के लिए, वो कहता है ने छील मुन सपनीदा, Yes, I have questions. और देन ये रिप्लाई करता है अनियो चिरमुन चिरमुन और सब निदा नो आई डू नॉट हैव एनी क्वेश्चंस। सो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म हो गया। तो लेक्चर नंबर 3 था, ये चैप्टर नंबर 3 भी फिनिश हो गया। तो आप अब
लेक्चर नंबर 4 भी मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा जल्दी, तो लाइक वगैरह कमेंट कर दीजिएगा। तो आज ज़्यादा चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।